खाद के लिए नहीं भटकेंगे किसान, प्रशासन ने कसी कमर। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। धान कटाई का कार्य अंतिम रूप में चल रहा है। धान काटने के बाद किसान खाली पड़े खेतों में अगले सीजन की फसल उगाने की तैयारी शुरू कर देंगे। नई फसल उगाने से पहले किसानों को खाद की आवश्यकता होती है, लेकिन जरूरत के हिसाब से वह समय से उन्हें खाद की उपलब्धि नहीं हो पाती है, जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन इस बार किसानों के खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही जिले भर में खाद की पर्याप्त व्यवस्था बना ली है और किसानों को वितरित भी की जा रही है। जिले की बात करें तो तकरीबन 80% धान की कटाई कार्य हो चुका है। नई फसल उगाने के लिए किसानों को खाद की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी पूरी व्यवस्था प्रशासन ने कर ली है। जिला प्रशासन ने सभी किसानों को समय पर और पर्याप्त खाद मिले, इसकी भी समीक्षा की है। बताया गया कि सभी खाद वितरण समुचित खाद भंडार किया जाएगा। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट, बने रहे था खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। कटाई धान की लगभग 80% के आसपास हो भी गई है और नई बोनी से पहले जो किसानों को खाद की आवश्यकता होती है तो उसकी व्यवस्थाएँ पहले से ही जमा ली गई हैं। अपनी सभी सोसाइटीज से और मार्केट से जो खाद लगनी है वो बिना किसी बाधा के लगातार चल रही है। जिले में किसी भी प्रकार की खाद, चाहे वो यूरिया हो चाहे एनपीके हो, किसी प्रकार की कमी नहीं है और इसके अंदर लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। जो अब अपने नए क्योंकि खरीफ की फसल के लिए अपने उत्पादन केंद्र भी शुरू हो जाएंगे दिसंबर महीने से और अपनी फसल की आवक भी हो जाएगी, तो आने वाले जो एक आध महीना है उसमें नई फसल की बोनी और उत्पादन दोनों की गतिविधियाँ कृषि के क्षेत्र में लगातार चलेंगी। तो खाद की ऐसी कोई व्यवस्था की गई है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना किसी भी कृषक को न करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।